दोस्तों टीआरएस हिंदी का हाईलाइट चैनल टीआरएस क्लिप हिंदी में आपका स्वागत है। सीखिए, एंजॉय कीजिए। पॉलिटिशियंस परेशान करते हैं, कोशिश तो करते ही हैं। मतलब क्यों? देखो, उनका अपना एक इंटरेस्ट है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनके लोग हैं। तो एक एग्जांपल देता हूं, वे मेरे आदमी आपको मिलेंगे, इनका जरा ध्यान रखना। अब ध्यान रखना डजंट मीन कि भाई आप आउट ऑफ द वे जाके करो। एज एन ऑफिसर मेरा रवैया ये होता है कि पॉलिटिशियन मुझे फ़ोन कर रहा है, इसका मतलब उसके सामने वो लोग बैठे हैं जिनके लिए वो फ़ोन कर रहे हैं कि विवेक जी ज़रा देख लेना, ये लोग आपको मिलेंगे। तो मेरे पास जब वो आएंगे उनको मैं अच्छे से ग्रीट करूंगा, लेकिन उनका काम होने वाला है तभी मैं करूंगा। और पॉलिटिशियन तो फ़ोन करके भूल गया है, बिकॉज ही हैज़ अनदर मल्टीपल थिंग्स टू डू। तो मैं तो काम तभी करूंगा अगर वो होने वाला है, नहीं तो मैं मना करूंगा। अगर वो दोबारा मेरे से पूछेंगे कि वो क्या हुआ, तो आई विल एक्सप्लेन। मोस्ट पॉलिटिशियंस दे बाउ बिफोर द एक्सपीरियंस ऑफ ब्यूरोक्रैट्स एंड दे अंडरस्टैंड, अच्छा ठीक है आप कह रहे हैं तो नहीं हो सकता। ओनली अ वेरी रेयर केस विल बी दे वे वांट्स टू बुलडोज, स्पेशली इन टुडेज एरा जहां पे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, स्क्रूटनी है, मीडिया है, कोर्ट्स हैं, तो क्यों किसी ने गलत बात करनी है? तो वी गो अकॉर्डिंग टू द बुक, वे फाइन। और कल को अगर आप गलत फैसला लेते भी हैं, कौन बचाएगा आपको? पॉलिटिशियन में लूज इज गवर्नमेंट एंड समबडी एल्स हैज कम एंड योर सीनियर हैज बीन ट्रांसफर्ड, तो आप क्यों गलत फैसला ले रहे हैं? तो पॉलिटिकल प्रेशर में कभी सकम नहीं करना। एनीवे दे से दैट व्हाट कैन अ पॉलिटिशियन और अ मिनिस्टर डू, ही कैन ओनली ट्रांसफर एन ऑफिसर हु इज नॉट कंप्लायंट। तो ट्रांसफर इज नॉट अ पनिशमेंट दे से इन द गवर्नमेंट। ओके, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो मुश्किल होते हैं टू गवर्न, लाइक डू पीपल फियर गेटिंग ट्रांसफर्ड देयर? डेफिनेटली होते हैं, जैसे एक मेवात है हमारे दिल्ली के पास, इट्स डिफिकल्ट एरिया, अंडर डेवलप्ड है, क्राइम भी है, पॉवर्टी भी है, गर्मी भी है, बैकवर्ड भी है। मैं जब वहाँ पोस्टेड हुआ 98 या 99 में, इन द बिगिनिंग ऑफ माय करियर, उस टाइम फोन नहीं था, आई हैड टू गो 30 किलोमीटर्स टू मेक एन एसटीडी कॉल टू माय होम। मोबाइल्स नहीं आए थे अभी 98 तक, तो बड़ा मुश्किल लाइफ थी। तो वन डजंट वांट टू गो देयर ऑब्वियसली, बट आई वाज देयर फॉर अ व्हाइल। ओके, कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जहां आपको देश की एक एक्सरे मिल जाती है। लॉ एक ऐसी प्रोफेशन होती है, एंड आई फील ब्यूरोक्रेसी ऐसी प्रोफेशन होती है जहां आपको देश की कुछ ऐसी चीजें दिख जाती है जो शायद आम जनता को ना दिखे। तो आपको क्या दिखा था एज एन आईएएस ऑफिसर जब आप देश को स्कैन कर रहे थे? तो आपके ऑफिस में एक आदमी आएगा जो बोलेगा, सर मेरी ना नाली का झगड़ा है पड़ोसी के साथ। तो आपको ग्रास रूट पता चल गया कि इस आदमी का पड़ोसी के साथ इसलिए झगड़ा है, दे आर फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज, दिस इज अ रियलिटी, और दे आर फ्रॉम डिफरेंट कास्ट्स, एंड समबडी इज वेल्दी एंड समबडी इज नॉट वेल्दी, सो ही इज अप्रेसिंग हिम, ही ऑल्सो नोज द सरपंच और द तहसीलदार वेल। तो ये आदमी बेचारा राइट है, अग्रीव्ड है, इसको हेल्प करना आपकी ड्यूटी एज एन आईएएस ऑफिसर और एज एन ऑफिसर। सेकंड आदमी आपके पास एक आएगा, अगर आप डिप्टी कमिश्नर हैं, वो आएगा दिल्ली से, बॉम्बे से, वो कहेगा कि आप सर हमने आपके एरिया में ना ग्रीक फूड फेस्टिवल करना है, उसका नाम है जापलूजा। तो आपको नली वाला बंदा भी आएगा या जापलूजा भी आएगा। तो दैट स्पेक्ट्रम ऑफ इंडिया विच यू सी, इट इज सेड दैट इंडिया लिव्स इन मेनी सेंचुरीज एट द सेम टाइम। तो आपको 17 सेंचुरी वाले रूढ़ीवाद लोग भी आ रहे हैं, और कई चीजें ट्रेडिशनल कल्चर जो स्ट्रेंथ है हमारी वो भी आ रहे हैं, और कुछ लोग आ रहे हैं जो बहुत अल्ट्रा मॉडर्न है और बियॉन्ड मॉडर्निटी भी है। तो आपको एक ऐसा दायरा मिलेगा कि आपका होराइजन एक्सपैंड हो जाएगा। दो डेढ़ साल पहले जब हमने पॉडकास्ट किया था साथ में, एट दैट फेज मुझे एज अ पॉडकास्टर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा था, एंड आई फील इट वाज फेयर क्रिटिसिज्म, कि मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा था, डिबेट नहीं कर रहा था, एटसेट्रा। और फिर मैंने जो रोगन को बहुत ज्यादा स्टडी किया, जो इंटरनेशनल लेवल, मतलब ही इज द नंबर वन पॉडकास्टर इन द वर्ल्ड, उनसे मैंने आर्ग्यूमेंटेशन सीखी, स्टील मैनिंग एंड आर्ग्यूमेंट सीखा, ग्रे पर्सपेक्टिव सीखे कि दोनों पर्सपेक्टिव को कैसे सेलिब्रेट किया जाए, एंड आई फील कि मेरी पॉडकास्टिंग स्किल इंप्रूव हो गई। आई जेन्युइनली फील कि इंटरव्यू के लिए लोग पॉडकास्ट से सीख सकते हैं, अच्छे पॉडकास्ट से बिल्कुल सीख सकते हैं। यू सी, एक प्रेशर सिचुएशन में या डिस्कशन सिचुएशन में टू होल्ड योर ओन, टू प्रेजेंट योर व्यूज लॉजिकली एंड कीपिंग अ पॉजिटिव इंटेंट ओवरऑल। देखो, क्रिटिसाइज करना तो बहुत आसान होता है ना, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है। एक मुझे कोई फ्रेंड मिले बहुत नेगेटिव, मैंने उनको बोला एक क्वेश्चन आंसर में, मैंने कहा तीन अच्छी बातें बताओ इंडिया के बारे में। कहते इंडिया बहुत बड़ा है पर यहाँ पे है। मैं कहा तीन अच्छी बातें पहले बताओ, नहीं बता पाए।
आई कैन टेल यू 300 गुड थिंग्स अबाउट इंडिया. सो इट डिपेंड्स ऑन माय एटीट्यूड आल्सो. ओके, आपने रोडीज कभी देखा? हाँ, रोडीज कॉफी हाउस में हमारा इंटरव्यू होता है. तो उस तरह के इंटरव्यूज होते हैं क्या? मतलब उस तरह की ग्रिलिंग होते हैं? ग्रिलिंग उस तरह की नहीं होगी. ये कोई वो बिग बॉस वगैरह नहीं है या ऐसा कोई एक्सट्रीम शो नहीं है. उसमें जैसे हम बात कर रहे हैं ऐसा ही होगा. ओनली थिंग इज कि 6 दिग्गज बैठे हैं वहां पे, आप अकेले हो. यहाँ तो हम 1-to-1 बात कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली एवरीवन हैज टू बी यू नो हैविंग देयर ओन व्यू पॉइंट. एक कैंडिडेट फॉर अ वेरी इलस्ट्रेशन पर्पसेस, बहुत स्मार्ट लड़की, हमारी फैमिली फ्रेंड, यूएस में पढ़ के आई, यूपीएससी का इंटरव्यू. शी वॉज टू स्मार्ट फॉर दैट इंटरव्यू. शीक, एंग्लिसाइज्ड, हिंदी कम बोली, ग्राउंड लेवल नहीं है, इंटेलिजेंट, शी वॉज नॉट क्वालिफाइड. उसको मैंने टिप दिया, नेक्स्ट टाइम तुम थोड़ा सा देसी बन के जाओ, थोड़ा इंडियन बन के जाओ, थोड़ा कम करो ये सब फूफा, एंड लुकिंग ग्रेट. बट देन शी गॉट सेलेक्टेड. Not only because of my tip, but she prepared the whole year. Again, she appeared for the interview. She was more balanced. Okay. Balance चाहिए उसमें. Interview में fail होकर आपको फिर से UPSC exam theoretical देना पड़ेगा. जितनी मर्जी बात दो, आप 6 बार ही दो. Interview तक आप पहुंच गए, पर आप ultimately select नहीं हुए, तो आप 5 बार ही और दे सकते हो अभी. You have to go through the theoretical exam every year. Prelims, mains, interview, हर बारी, हर बारी. My God. और कई बार interview के बाद prelims clear नहीं होता, कई बार. ओके जो लोग फेल होते क्या करते हैं यूजुअली करियर में, अलग अलग करियर पाथ्स? पहली बात तो आपके पॉडकास्ट के जरिए आई वांट टू टेल ऑल दीज पीपल कि जो यूपीएससी क्लियर नहीं करता वो फेल नहीं हुआ है. मेरे हिसाब से उसका कॉन्फिडेंस, उसकी नॉलेज बढ़ गई है. वो नहीं कर पाया, इट्स लाइक एज आई सेड, इंडियन टीम में आप नहीं आ पाए, पर आप रणजी ट्रॉफी खेले, आप अंडर 19 खेले, आप अंडर 15 खेले, कुछ तो आपने कोशिश की ना. मतलब जब आप एक एग्जाम को पास नहीं करते, एक कंपेटिटिव एग्जाम को नहीं पास करते, या मान लो आप एक कॉलेज के एग्जाम में भी फेल हो जाते हो, आप में बहुत कॉन्शियसनेस आ जाता है अबाउट बीइंग अ फेलियर. जेन्युइनली ये मैं एक एज अ मोटिवेशनल स्पीकर नहीं कह रहा हूं, पर ये फेज ना आपकी लाइफ का सबसे बड़ा कैरेक्टर बिल्डिंग फेज होता है. बिल्कुल, कि आप उस फेलियर को कैसे ले रहे हो. क्योंकि भारत की सोसाइटी की असलियत ये डेफिनेटली है कि लोग गॉसिप करते हैं, लोग पॉइंट करेंगे कि अगर आप फेल हुए, लोग चीजें कहेंगे, आप उसे झेलते कैसे हो और उसके बाद आप क्या करते हो. जब मैं फेल हुआ था पहली बार इंजीनियरिंग कॉलेज में, फर्स्ट ईयर में, मैं 12th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छा स्टूडेंट था और कुछ पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स की वजह से फेल हो गया फर्स्ट सेमेस्टर में. ठीक है, कंपो आ गया होगा, कंपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, देन यू रीअपीयर्ड. हाँ, मतलब मैं ऑनेस्टली जस्ट मैं बहुत डिसएंचेंट हो गया कि यार ऐसी इंजीनियरिंग. मुझे लगा था कि रोबोटिक्स सीखूंगा, फिजिक्स ज्यादा डीपली सीखूंगा, पर फेल हुआ. और आई रिमेम्बर कि जब मैंने ऑनलाइन रिजल्ट्स चेक किया और मुझे केटी दिखा, 80 KT जो भी बैक दिखा, मैंने ये भी देखा कि मेरे पूरे क्लास में आई हैड द सेकंड लोएस्ट मार्क्स, और एक्चुअली एंट्रेंस एग्जाम में मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे इन द होल क्लास. तो फ्रॉम बीइंग द टॉपर टू द बॉटम ऑफ द क्लास, जिस तरह से टीचर्स का बिहेवियर चेंज हुआ मेरी तरफ, स्टूडेंट्स का बिहेवियर चेंज हुआ, जितनी जजमेंट मेरे पर फेंकी जा रही थी, बहुत मेंटली स्ट्रेनिंग फेज था. और अगले 6 महीनों में मैंने जिमिंग स्टार्ट करी, मैंने रीअपियर किया, मार्क्स सुधारे, मेंटल हेल्थ के बहुत बैटल्स फेस किए, इंसल्ट झेले, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. पर आज जो भी बीओ बाइसेस हुआ उस 6 महीने के फेस की वजह से हुआ. बहुत ज्यादा टफनेस आ गया. लोग टफनेस को हाईलाइट नहीं करते, पर फेलियर को हाईलाइट करते, कॉन्शियसनेस को हाईलाइट करते, एज इन फीलिंग कॉन्शियस, इस वाले फीलिंग को हाईलाइट करते हैं. इट्स सच एन इंपॉर्टेंट फेज, लोग ये नहीं समझते. हमारा जो लो फेज होता है उसमें अगर हम यही सोचते रहेंगे लोग क्या सोच रहे हैं, दैट इज आवर बिगेस्ट डेटरेंट. अब मैं यही सोच रहा हूँ, आंटी ने कुछ बोल दिया, यार तुम्हारा तो हुआ ही नहीं, तुम इतना पढ़ रहे थे, क्या हुआ तुम्हारा? वो आंटी तो सो गई जाके, आप जागे हुए, आप सोच रहे हैं आंटी ने ऐसे बोला. सो माई परसेप्शन अबाउट माई सेल्फ शुड डिपेंड ऑन माई सेल्फ. वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, नहीं तो मैं इस बारे में पहले बहुत होता था कि कोच क्या सोच रहा है, क्रिकेट में इतने रन बने, या पापा क्या सोच रहे हैं, मम्मी क्या सोच रही है. अब थोड़ा धीरे धीरे यू बिकम अ लिटिल थिक स्किन्ड. ये वीडियो से आपने कुछ सीखा ना, बाकी के वीडियोस भी देखिए, बहुत तगड़े वीडियोस होते हैं TRS क्लिप्स हिंदी पर. आपको बस चैनल को एक्सप्लोर करना है, ये वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपके लिए बताएंगे दोस्त.